जय श्री श्याम। और खाटू नरेश की। हमारी इस कहानी की शुरुआत हुई थी खाटू श्याम जी के दर्शन से। जैसे ही द्वार खुले 3 महीने बाद, तो सबसे पहले दर्शन करने के लिए हम यहाँ पहुंच चुके थे। काफी कमाल के दर्शन हुए। और इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, मैं निकल पड़ा था जयपुर के लिए लोकल ट्रेन पकड़ के। वैसे एक अच्छी बात ये रही कि इस ट्रेन में कोई भी दिक्कत नहीं है, जर्नी बहुत ही कमाल की थी। लेकिन हाँ, थकान भरी जर्नी हो चुकी थी क्योंकि पूरा दिन हमने खाटू श्याम जी में बिताया था और जयपुर तक जनरल में सफर करके। अब बारी है एक नई ट्रेन जर्नी को शुरू करने के लिए, जो कि एक स्पेशल ट्रेन में होने वाली। तो भाई इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, मजा बहुत आने वाला है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों हमें फिलहाल पिंक सिटी जयपुर में, और आज ट्रैवल करने वाले हैं जयपुर गोमती नगर एक्सप्रेस में। सबसे बढ़िया बात यह कि इसका रूट बहुत कमाल का है। बांदीकुई से चलकर हम लोग मथुरा, फरुखाबाद, कासगंज वाले रूट से कानपुर सेंट्रल के रास्ते पहुंचेंगे इसमें लखनऊ तक। वैसे हम लोग इसमें लखनऊ तक ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, मैं कानपुर का रहने वाला, तो भाई कानपुर ही उतर जाऊंगा। लेकिन ट्रेन का रूट तो हम लोग आज करने वाले हैं। मेन चीज़ ये है कि इसमें फरुखाबाद से आगे एक सेक्शन पूरा दिन में मिलेगा, और जो मीटर गेज के ज़माने का रूट है वो खैर रात में निकलेगा, लेकिन हम लोगों ने कई बार इस रूट को कवर किया है। मेन चीज़ ये कि मैंने इस ट्रेन के बारे में बहुत तारीफ सुनी है कि भाई इसमें सीट्स वगैरह जो है वो भरना शुरू हो गए। जब भी ट्रेन चलाई गई थी तो हमेशा खाली जाती थी। एसी कोचेस में मैंने सुना कि 8-9 है, भाई देखते हैं आज कितने एसी कोचेज हैं। जब मैंने इसमें टिकट कराई तो वेटिंग में मिली थी, और फाइनली जब चार्ट बना तो कन्फर्म हो गया। लेकिन इस ट्रेन में एसी 3 टायर और इकोनॉमी 3 टायर में करंट में भी सीट्स निकली थी, लेकिन स्लीपर में नहीं निकली। तो भाई आज ट्रेन का रिव्यू करेंगे, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं कि नहीं, और बाकी ट्रेन की साफ सफाई कैसी है, पंक्चुअलिटी कैसी है। रात 9 बजे ट्रेन यहाँ से खुलती है और सुबह 9 बजे कानपुर पहुँच जाती है। तो देखो भाई 12 घंटे की जर्नी होने वाली है। ये देखो हमारे राजा भैया है। भैया गाड़ी कहाँ है आपकी? गाड़ी अभी आज कैसे अचानक प्लान बना लिया उसमें जाने का? मैं हमेशा चंडीगढ़ गरीब से ही जाता हूँ। अच्छा अच्छा, गाड़ी कैसी है, रिव्यू आपका कैसा रहेगा उसके बारे में? बढ़िया, साफ सुथरी। हाँ बहुत साफ सुथरी होती है, पर आगे जाके गंदी हो जाती है। आगे जाके होती है, चलो सोने के टाइम तक तो साफ रहती है। गाड़ी का अराइवल होने वाला है आगरा फोर्ट अजमेर इंटरसिटी एक्सप्रेस आ चुकी है यहाँ पे, जो कि LHB हो चुकी है। और कोई गुड्स ट्रेन भी यहाँ से स्किप कर रही है प्लेटफॉर्म 1 को। अभी गरीब रथ के आने में काफी टाइम है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा वीगो ऐप के बारे में, जो कि वर्ल्ड वाइड ट्रैवल ऐप है, जहाँ से आप फ्लाइट्स, होटल्स एंड डिफरेंट एक्टिविटीज को बुक कर सकते हो। ये आपको 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स एंड 1000 से ज़्यादा रिजल्ट को कंपेयर करके बेस्ट एंड चीपेस्ट डील प्रोवाइड करता है। हाल ही में वीगो ने अपनी ट्रेन ट्रैवल टिकट बुकिंग भी शुरू की है। अपनी ट्रेन टिकट भी मैंने वहाँ से बुक किया, जिसका बुकिंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल एंड क्विक है। आपको वीगो ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप ऐप को खोलते हो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। आपको ट्रेन आइकन पर क्लिक करना है, सोर्स स्टेशन डालो, डेस्टिनेशन डालो, डेट ऑफ जर्नी चूज़ करो, सर्च ट्रेन पर क्लिक करो, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और जो ट्रेन आपको पसंद हो उसे आप सेफली एंड क्विकली बुक कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पर आपको कन्फर्म उनके प्रिडिक्शन भी दिख जाएंगे। मेरी तरफ से एक सलाह ये भी है, जिस रूट में आप एक बार ट्रेन का किराया चेक करो, फ्लाइट का किराया भी चेक कर लेना उसी सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, क्योंकि कई बार वीगो आपको कम से कम किराए, इनफैक्ट आपको AC 3 और 2 के किराए से कम में फ्लाइट टिकट भी मिल सकती हैं। और जिन लोगों ने ऐप को ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, अपडेट कर लो, क्योंकि नए ऐप में बहुत सारे नए फीचर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। और जिन लोगों ने नहीं किया है जल्दी से जाओ डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, क्योंकि वीगो वाकई में कमाल का ऐप है। आप इसके रिजल्ट्स को एक्चुअली में कंपेयर करके चेक कर सकते हो, और ये आपकी ट्रैवलिंग को बहुत ही। भाई चंडीगढ़ गरीब रथ तो पूरी उत्कृष्ट गरीब रथ है, यहाँ पे अपनी लिवरी पे ही नहीं है, नॉर्मल एसी एक्सप्रेस वाली फीलिंग आ रही है इसको देख करके। जैसे हमारी ICF ट्रेन में एसी के कोचेस लगे होते हैं। हाँ पर एक बात है, 130 KMPH इसमें लिखा हुआ है, मतलब ये कोचेस 130 KMPH में चलने वाली गरीब रथ वाले ICF कोचेस है। कोचेस 130 के लिए चलने के लिए केपेबल हैं। ठीक है राजा भाई, ख्याल रखो, ठीक है, मिलते हैं फिर। हैप्पी जर्नी। 5 हो चुका है, अब इतना टाइम नहीं कि हम लोग यहाँ पे वेट करें, चलते कुछ खा लिया जाए यहाँ पे IRCTC के फूड कोर्ट में, और उसके बाद अपनी ट्रेन भी पकड़नी है 9 बजे की। तो यहाँ पे नीलम का फूड कोर्ट भी है, यहीं का आज फूड रिव्यू किया जाए, देखते हैं यहाँ का स्वाद कैसा है। ऑनलाइन तो हमने मंगा के ट्राई किया, आज खा के देखा जाए। नूडल्स अवेलेबल है, बिरयानी है, और 2 तरह की थाली है, साथ में पूरी, डोसा, पाव भाजी, सभी चीज़ अवेलेबल हैं। हम लोग भी कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं, चलो। अच्छा भाई, नीलम का 100 रुपये का मसाला डोसा, वैसे कीमत के हिसाब से तो क्वांटिटी सही लग रही है, अब टेस्ट देख ले कैसा। चटनी का स्वाद तो काफ़ी अच्छा है, सांभर देख ले कैसा है।
चीज़ें काफ़ी फ्रेश एंड टेस्टी सर्व हुई हैं, वाकई में काफ़ी बढ़िया है डोसा। अगर आप जयपुर आ रहे हो तो बाहर जो स्टेशन के होटल्स हैं ना, काफ़ी गंदगी से खाना बनाते हैं और फ्रेश भी नहीं होता है, तो बेटर रहेगा नीलम से आप कुछ खा लो, वरना स्विगी जोमेटो से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लो और यहीं से आप कलेक्ट भी कर सकते हो। इसे फिनिश करता हूँ, आपसे मिलता हूँ सीधा ट्रेन में, क्योंकि 9 बजे तक हमारी ट्रेन भी यहाँ से निकलेगी, तो आपसे 20 मिनट में लगा भी दी जाएगी। जब तक वहाँ पे अपना डिनर चल रहा था, तब तक यहाँ पे गाड़ी जो है लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, गोमती नगर एक्सप्रेस, जिसमें इकोनॉमी 3 AC के 3 कोचेज़ हैं और देखते हैं AC 3 Tier के कितने कोचेज हैं। स्लीपर के इस ट्रेन में केवल 5 ही कोच हैं भाई साहब, मज़ा आ गया देख के। 6 AC 3 Tier के कोच, 3 इकोनॉमी 3 AC, 2 2 Tier, यानी 11 AC के कोचेज हैं इस गाड़ी में। फर्स्ट इंप्रेशन तो ट्रेन का काफ़ी बढ़िया है, मतलब गाड़ी तो साफ सुथरी लग रही है और बाकी कर्टेंस वगैरह भी पड़े हुए हैं अपनी सीधा साइड अपर, तो भाई जर्नी उसी में कटने वाली है, सामान वहाँ पर रख दिया। हाँ, लेकिन ट्रेन साफ सुथरी लगी तो भाई एकदम राइट टाइम 9:05 पे ट्रेन हमारी जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से खुल चुकी है। इसी तरह वहाँ पे दिल्ली बाड़मेर एक्सप्रेस खड़ी हुई है, क्योंकि तो बाड़मेर की ओर जा रही है। पिंक सिटी से अपना डिपार्चर। यार जयपुर वाकई में बहुत ही खूबसूरत शहर है, अगर आप लोग यहाँ से तो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, मुझे तो बहुत पसंद है यार जयपुर सच में, खासकर हवा महल, जल महल और यहाँ की चौकी दानी, शाम में यहाँ पे घूमना जल महल के पास में। और ये रहा नीलम का फूड कोर्ट, जहाँ पे हमने खाना वाना खाया था अभी थोड़ी देर पहले। एग्जीक्यूटिव लाउंज भी है, जो मुझे कुछ खास लगा नहीं, थोड़ा बकवास था ये, इसका रेट वेट भी कुछ सही नहीं है, सुविधाएँ भी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आज जब मैं गया था तो मुझे कुछ अजीब सा लगा ये। और यहाँ पे न्यू जलपाईगुड़ी उदयपुर एक्सप्रेस आते हुए, आश्रम एक्सप्रेस जस्ट छूटी है, उसके पीछे पीछे ये भी आ गई है। जबरदस्त भीड़ है यार, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी इस ट्रेन में। हमारी ट्रेन का एक रिवर्सल भी होगा अचनेरा जंक्शन पे, ट्रेन हमारी रिवर्स हो गई, मथुरा निकल जाएगी और अचनेरा से सामने जो ट्रैक है वो आगरा की ओर निकल जाता है। बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस सवाई माधोपुर वाली लाइन से आते हुए, वहां पे सवाई माधोपुर वाली लाइन दुर्गापुर होते हुए हमसे अलग होते हुए, और हम लोग यहाँ पे बांदी की लाइन की ओर बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस बैक टू बैक ट्रेन्स लगी हुई हैं जयपुर में लाइनअप है, और हमारी ट्रेन का स्टॉप सीधा जयपुर गांधीनगर है अभी पहला हॉल्ट। तो यहाँ पे हम लोग गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन पहुँच गए, काफ़ी यूनिक सा रेलवे स्टेशन, एक खास बात आपको इसके बारे में बताऊँगा जो कि काफ़ी सही लगी है। गांधीनगर जयपुर एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे जो कंप्लीट स्टाफ है ना वो लेडीज़ का है, स्टेशन का जो कंप्लीट स्टाफ है, RPF का जो स्टाफ है, इसके लिए अवार्ड भी मिला था। अच्छा लगता है कि महिलाओं का जो सशक्ति,
अच्छा लगता है कि ऐसे जो मोटिवेशन जो है वो दिया जा रहा है महिलाओं को काम की ओर। जी जब मैंने सुनी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब इतना सपोर्ट किया जा रहा है लेडीज़ को, और अच्छी बात है यार, होना भी चाहिए। बाकी यहाँ से बस 2 मिनट में हमारी ट्रेन का डिपार्चर होगा, इसके बाद हम लोग दौसा रेलवे स्टेशन में जाकर रुकेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ से डिपार्चर। कंप्लीट स्टाफ है लेडीज़ का, ये अपने आप में एक बड़ी बात है जयपुर के लिए। बाकी स्टेशन भी काफ़ी खूबसूरत बनाए गए हैं। देखिए RPF भी यहाँ पे आपको लेडीज़ देखने को मिलेंगी। हम लोग देखो पहुँचे अभी दौसा रेलवे स्टेशन, 60 किलोमीटर दूर है बस ये, और आज मुझे लग रहा है कि फुल मून डे है। देख लो मून कितना खूबसूरती से चमक रहा है, और ट्रेन भी काफ़ी कमाल की लग रही है। गाड़ी तो साफ़ सुथरी है, चीज़ तो माननी पड़ेगी, और टिकट अवेलेबिलिटी के मामले में काफ़ी ज़ोरदार ट्रेन है, आसानी से इसमें टिकट वगैरह मिल जाते हैं, तो उसकी दिक्कत नहीं होगी आपको। बाकी बांदीकुई जंक्शन हमारा अगला स्टॉप होने वाला है। गाड़ी थोड़ा यहाँ पर 20 मिनट लेट हो चुकी है अभी। भाई जो लोग दौसा से हैं कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, और ठंड अच्छी खासी होना शुरू हो गई है। मतलब हम लोग अभी तक जैकेट में बैठे थे, और उसके बाद जैसे अंदर पहुंचे टेम्परेचर काफ़ी कम था, तो जैकेट भी उतर गई सबके, सब टी शर्ट में घूम रहे थे। वापस मैं सीधा अभी दौसा में बाहर निकला हूँ, तो ठंड है अच्छी खासी यहाँ पर। सामने से आ रही है अभी हिसार जयपुर एक्सप्रेस। आबू रोड के हल्कों के साथ यहां पे हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बांदीकुई जंक्शन। राजस्थान का सबसे पहला रूट जो खुला था ना, वो बांदीकुई जंक्शन से आगरा के लिए ही खुला था, जिस रूट पे अभी हम लोग भरने वाले हैं भरतपुर होते हुए। रात के अंधेरे में अपनी ट्रेन यहाँ पे पहुँची है। वाह, बहुत ही हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है, बहुत ही हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन। इसके बारे में अगर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया जाए ना, तो वो भी कम पड़ जाएगा। जो लोग बांदीकुई से हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। अपनी रेलवे कॉलोनी के लिए भी फेमस है, एक हिंट दे रहा हूँ आपको, इसके बारे में कभी आप पढ़ेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। मैंने अपने वीडियोस में जो मैंने पास्ट में बनाए हैं उसमें एक बहुत बार बताया बांदीकुई जंक्शन के बारे में। यहाँ से सीधे जो लाइन है वो दिल्ली की ओर निकल जाती है, हम लोग भरतपुर वाली लाइन पे बढ़ेंगे, वो अलग बात है। खैर बाकी चलते हैं अंदर चलो। और यहाँ आने के बाद मौसम बड़ा बढ़िया लग रहा है, ये जो ठंड है ना ये मेरे को काफ़ी पसंद है। गुलाबी सी अनाउंसमेंट, मथुरा जंक्शन कानपुर के रास्ते, हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट है वो। और सिग्नल भी हो चुका है डिपार्चर का, ये कमाल की बात है। मतलब मैं अंदर लेटा हुआ था, लोकेशन चेक की गाड़ी की, काफी पीछे दिखा रहा था, और अचानक से अराइवल हो गया। माफ करना, दौसा और यहाँ का दोनों का अराइवल नहीं दिखा पाया हूँ मैं। मथुरा जंक्शन कानपुर के रास्ते मोती नगर को जाने वाली 1975 चलकर अहमदाबाद की ओर जाने वाली 10:23 पे अपना अराइवल टाइम था। और देख लो भाई डिले कितने का चल रहा है यहाँ पे। स्टॉल्स अभी भी ओपन है, मतलब इतने बजे तक भी आपको खाने पीने के स्नैक्स आइटम तो मिल ही जाएगा यहाँ पे। अगर आप लोग बाई चांस कोई ट्रेन यहाँ से बदल रहे हो, क्योंकि 2 लाइन यहाँ से कटती हैं, तो हो सकता है आप लोग यहाँ से रूट्स भी चेंज करने की कोशिश करो कभी कभी, क्योंकि इमरजेंसी में ये सब जानकारियाँ काम आती हैं रूट्स की। कई बार लगेगा कि क्या सत्य भाई हर वीडियो में जानकारियाँ दे रहे हैं, रूट कहाँ जाता है, ये कहाँ जाता है, वो कहाँ जाता है, लेकिन कभी अगर आप इमरजेंसी में ट्रैवल कर रहे होगे ना, वैसे टुकड़े टुकड़े में भी ट्रैवल करना आपकी रफ्तार बढ़ा देगा।
ये देखो सामने जो प्लेटफॉर्म है उसकी हाइट देखो, उससे साफ साफ पता चलेगा कि ये मीटर गेज के ज़माने का है। हाइट देखो कितनी लो है, और ब्रॉड गेज से जब बनाया गया तो इसे थोड़ा एलिवेट करके बनाया गया है। लेफ्ट की ओर जो ट्रैक्स निकल रहे हैं वो जा रहे हैं अलवर रेवाड़ी होते हुए दिल्ली की ओर, और हमारा रूट तो आपको पता ही है भरतपुर अचनेरा होते हुए, अचनेरा में रिवर्सल लेकर के मथुरा जंक्शन होते हुए फरुखाबाद सुबह सुबह हम लोग पहुँचेंगे, और वहाँ से कासगंज के रास्ते अपने सफ़र को पूरा करने वाले हैं कानपुर सेंट्रल तक। क्योंकि फिलहाल रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी, अभी सोया जाए, आप लोगों से कल सुबह मुलाकात करता हूँ, क्योंकि जो अपना फरुखाबाद वाला रूट है वो मेन है, ये सब तो रात में गुजरने वाला है। बाकी रिव्यू की बात की जाए तो साफ़ सफाई आप देख लो बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन की जा रही है। डस्टबिन अगर ट्रेन के पैक भी हैं तो भी अलग से प्लास्टिक वगैरह लगी हुई है, साफ़ सफाई बढ़िया है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होगी, इंटीरियर भी बहुत साफ़ सुथरे हैं। मैंने तो खैर सीट भी एक्सचेंज कर ली, अब साइड डोर मिल गई मेरे को, A1 कोच में आ चुका हूँ, तो भाई जर्नी बढ़िया चल रही है। मिलते हैं कल सुबह सुबह, अभी के लिए गुड नाइट दोस्तों। गुड मॉर्निंग, और अभी जब दिन की शुरुआत हुई ना तो मैंने देखा कि ट्रेन कन्नौज से निकल रही है, अलार्म जो मैंने लगाया था उसने काम किया नहीं, और कल पूरा दिन मेरा खाटू श्याम जी में गुजरा है, जिसमें वॉक करके और यानी कैसे कैसे मैंने दर्शन किए, और वो व्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा। और उसके बाद जैसे जैसे जनरल में बैठ के मैं जयपुर आया, जयपुर में मैंने समय मतलब वेट किया इस ट्रेन का रात 9 बजे तक, और उसके बाद मैं तब इस ट्रेन को पकड़ा, इसीलिए कितने सारे स्टेशन मिस हो रहे हैं। सुबह सुबह फरुखाबाद आया, उसके बाद गुरसाईगंज, फिर कन्नौज, तो भाई सॉरी माफ़ करना, मतलब इतने सारे स्टेशन जो है मैं मिस कर रहा हूँ, पर हाँ कन्नौज से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। कन्नौज के बाद जो हमारी ट्रेन का स्टॉप है वो सीधा बिल्हौर है, उसके बाद कानपुर अनवरगंज, और वैसे आप लोगों को बता दूँ एक ज़माने में कंप्लीट रूट मीटर गेज का हुआ करता था, और कानपुर से इसी रूट से कन्नौज होते हुए फरुखाबाद होते हुए मथुरा तक मीटर गेज की ट्रेन चलती थी, और कासगंज रेलवे स्टेशन से अगर आप बात करें तो बरेली तक के लिए भी आपको मीटर गेज की ट्रेन, और वही आगे चल करके निकल जाती थी अलग अलग रूट में, सीतापुर, इज्जत नगर, मैलानी, वो जो रूट आप लोगों ने सुने हैं उन सभी रूट्स के लिए मीटर गेज ट्रेन से एक ज़माने में चला करती थी। ये कंप्लीट रूट मीटर गेज का था, कानपुर अनवरगंज तक काफ़ी लंबे समय तक ये सब रहा है। बाकी कन्नौज को परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि वहाँ का परफ्यूम जो बहुत फेमस है, और कन्नौज का गट्टा भी बहुत फेमस होता है। आप लोगों ने इससे पहले मेरे साथ कोलकाता मथुरा एक्सप्रेस, कोलकाता आगरा कैंड एक्सप्रेस के ब्लॉग में देखा होगा, और सनराइज़ बहुत ही खूबसूरत हुआ है आज, और ठंड बाहर बहुत ज़्यादा नहीं है तो टी शर्ट में काम बढ़िया चल रहा है। बाकी जर्नी तो मेरे लिए तो अच्छी चल रही है, क्योंकि एक नींद अच्छी खासी पूरी हो गई, अब पूरे दिन की एनर्जी है मेरे पास, लेकिन ये जर्नी जरूर ख़त्म होने वाली है थोड़े समय में, लगभग 80 किलोमीटर बचा होगा आपका कानपुर सेंट्रल। तो साइड में जो आपने पुल देखा वो मीटर गेज के ज़माने का था, और हमारी ट्रेन भी ब्रॉड गेज लाइन पर बढ़ रही है।
यहाँ पर ट्रेन पहुँच चुकी है फिलहाल रेलवे स्टेशन में। और आप लोगों को बता दूँ कि रात में जब हम लोग चले थे तो लोकोमोटिव साइड था, अचनेरा जंक्शन में रिवर्सल हुआ और अभी अपने तरफ है। सनराइज़ के साथ साथ लोकोमोटिव के काफ़ी सही सही शॉट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये रूट तो था ही मीटर गेज का, तो भाई इस रूट में जो ट्रेनें चला करती थी उसमें मैंने कभी सफ़र तो नहीं किया, लेकिन जो लखनऊ से चला करती थी हमारी काठगोदाम की ओर जाने वाली ट्रेन, उसमें मैंने नैनीताल एक्सप्रेस को देखा जरूर, जिसमें 2 AC के भी कोच लगते थे, इवन वो मीटर गेज थी उसके बाद भी। ये सिंगल लाइन रूट है, यहाँ पर क्रॉसिंग वगैरह के लिए भी ट्रेन को रुकना पड़ेगा। और आज मैं सोच रहा हूँ इस जर्नी को कानपुर अनवरगंज में एंड करूँ, क्योंकि हो सकता है बाहर हमें कुछ ना कुछ स्टेशन का ऐसा मिल जाए कि जो मीटर गेज के ज़माने का हो, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा था कानपुर अनवरगंज रेलवे स्टेशन का लुक वगैरह, मैंने हमेशा ट्रेन से ही देखा, उसे उतर के कभी नहीं देखा। और सेंट्रल तक जाना उसके बाद 4 किलोमीटर है, वो तो मैं ऑटो से चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, घर वहाँ से पास पड़ता है। तो बाकी देखते हैं यहाँ से डिपार्चर और आपसे मिलता हूँ सीधा कानपुर अनवरगंज। वंदना जंक्शन को स्किप कर रहे हैं, ब्रह्मावर्त यानी बिठूर जाने के लिए आपको यहीं से ट्रेन बदलनी पड़ेगी। पहले यहाँ पे रेल बस चला करती थी बिठूर के लिए, अभी वो सब बंद कर रही है। हम लोगों ने पार किया है मंदना जंक्शन रेलवे स्टेशन और लखनऊ से ब्रह्मावर्त के लिए यानी बिठूर के लिए ट्रेन भी चल चुकी है, जो कि मंदना होते हुए जाती है, इसलिए इसे जंक्शन कहते हैं। फरुखाबाद वाली लाइन अपनी बिठूर वाली लाइन से मिलती है। मीटर गेज के ज़माने में अनवरगंज से बिठूर तक के लिए रेल बस मीटर गेज की चला करती थी, और उससे पहले तो पैसेंजर ट्रेन भी चला करती थी, जो कि लखनऊ से आती थी अनवरगंज होते हुए कानपुर सेंट्रल का जो प्लेटफॉर्म नंबर 8 वाला हिस्सा है ये मीटर गेज का हुआ करता था, और लखनऊ का जंक्शन रेलवे स्टेशन वाला जो हिस्सा है जो टर्मिनल प्लेटफॉर्म वाला वो मीटर गेज का हुआ करता था। तो वहाँ से यहाँ तक पूरी मीटर गेज ट्रेन चलती थी, मतलब ये हिस्ट्री है। अब धीरे धीरे चेंज होते हैं, जैसे अभी ओमकारेश्वर रोड वाला जो रूट है वो बंद हुआ, वो भी ब्रॉड होगा समय के साथ। बाकी यहाँ पर ब्रॉड गेज ट्रेन चल रही है, तो देखो आपको AC कोचेस मिल रहे हैं कंफर्टेबल, इतने ज़्यादा 24 कोचेस की ट्रेनें चल सकती हैं यहाँ पर, तेज़ रफ्तार की ट्रेनें चल रही हैं, तो फिर डेवलपमेंट तो ज़रूरी है।
साइड एकदम ऐसा लग रहा था जैसे मीटर गेज के जमाने का हो, और ये देख लो आप लोग वॉशरूम वगैरह उस टाइम के। बाकी स्टेशन में रीडेवलपमेंट का काम हुआ है तो प्लेटफॉर्म्स का एलिवेशन और चौड़ा इसे किया गया है। यहाँ पे अपनी जो ट्रेन है पहुँच गई है कानपुर अनवरगंज रेलवे स्टेशन। यहाँ आते आते हमने 600 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया है। अनवरगंज से आपको कानपुर सेंट्रल वाली लाइन तो मिल ही रही है यहाँ पे, साथ साथ सेंट्रल तो भाई बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है, उसके बारे में तो बहुत तारीफ़ आप लोगों ने सुनी ही होंगी। लेकिन फिलहाल मेरा टारगेट है कानपुर अनवरगंज रेलवे स्टेशन को बाहर से देखना कि भाई कुछ यादें बची हैं या सब समाप्त हो चुका है। अगर गाड़ी की पंक्चुअलिटी वगैरह की बात की जाए तो काफ़ी सही लगी मुझे। रात में थोड़ा 20 मिनट का डिले था, पर यहाँ पे एक्चुअली अराइवल टाइम था गाड़ी का 8:35 पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग 8:05 पे ही पहुँच चुके हैं। साफ़ सफाई बहुत ही बढ़िया है, सीट अवेलेबिलिटी तो ऐसी के सेम डे मिल जाती है, तो मेरे लिए तो परफेक्ट ट्रेन है। हाँ, पर एक दुख की बात है डेली ट्रेन नहीं है, सप्ताह में 3 ही दिन है। बाकी गाड़ी बढ़िया है, इसके बाद ही निकल जाएगी लखनऊ के लिए। जिसको कानपुर से लखनऊ जाना है उसके लिए बढ़िया, और जिसको जयपुर से लखनऊ जाना है जिसके लिए बहुत सारी सवारी होती है उनके लिए काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। चलते हैं अब कानपुर अनवरगंज के बाहर और देखते हैं क्या स्थिति है। देखो पुराना कंस्ट्रक्शन उस तरफ है, नया कंस्ट्रक्शन इस तरफ है, और यहाँ पे हाइट का डिफरेंस इसी से देख लो आप लोग। ये नया प्लेटफॉर्म बनाया है, नई हाइट बनाई गई है, और पुराना कंस्ट्रक्शन बाजू वाले बिल्डिंग्स का हाल देख लो। कानपुर सेंट्रल का लुक तो आपने हमेशा देखा होगा बाहर से, अनवरगंज का भी आप देख लीजिए क्या कमाल का बनाया गया है, काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर लग रहा है इसका। बाकी फिलहाल इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे ही मैं आप लोग के लिए अमेजिंग कंटेंट लेकर के आता रहूँगा, और यूनिक रूट्स में हम लोग ऐसे ही ट्रैवल करते रहेंगे। मिलेंगे जल्दी ऐसी और बहुत सारी जर्नीज में ट्रेन रिव्यूज में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।